डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 169 रुपए का हो गया। गैर मुल्की कर्जों में अरबों रुपए इजाफा, महंगाई की नई लहर तैयार। बरतानवी पाउंड 234 रुपए पर जा पहुंचा। इमाराती दिरहम 46 रुपए 45 पैसे, सऊदी रियाल 45 रुपए का हो गया। तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, बैनुसूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने सदारत की, सूबाई वुज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा, नए तालीमी साल के आगाज पर भी बात। शफकत महमूद की जानिब से कल बड़ा ऐलान मुतवक्के। तालीमी इदारे वो खुलने चाहिए क्योंकि घर में बच्चे वो स्टडी नहीं कर सकते। साडे तो बच्चे छड़ के बह गए स्कूल, ना जाने की गल ही कोई नहीं, क्योंकि 10 दिन गए, 5 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, फिर छुट्टी, इस साढ़े बच्चे तो आवारा हो गए। तालीमी इदारे जो हैं वो बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारा जो एक्सपीरियंस गया है उसमें बच्चों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनको बहुत ज़्यादा कवर नहीं करवा सके। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी का तबादला। सैयद अली मुर्तजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। वजीहुल्लाह कुंडी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बन गए। सुहेल अहमद ख्वाजा और उस्मान मुअज्जम की खिदमत विफाक के सपोर्ट। चीफ सेक्रेटरी से सीनियर अफसरान को पंजाब में रहने की इजाजत। पाबंदियों के बावजूद स्कूल क्यों खोला, एसओपी की खिलाफ वर्जी पर जलोमोर में कार्रवाई। लाहौर लाजियम स्कूल, कायदे पब्लिक हाई स्कूल और पीजीएस स्कूल सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी ने कार्रवाई की। कैंटोनमेंट बोर्ड का सियासी दंगल, नून लीग ने मैदान मार लिया। 20 में से 16 वोटर्स में वार्ड में कामयाबी। हुक्मरान जमात पीटीआई के हिस्से सिर्फ 3 नशिस्तें आईं, एक आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। पीपल्स पार्टी के हाथ खाली, शहबाज शरीफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड में कामयाबी को नई सुबह का आगाज करार दे दिया। हमजा शहबाज कहते हैं कामयाबी आवाम की खिदमत का नतीजा है। साद रफीक और दीगर की तारीख। इलेक्शन हो चुका, वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया। वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से 3 उम्मीदवारों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। मेजर रिटायर्ड जावेद, तारिक सिद्दीकी और चौधरी असलम ने दोबारा वोटों की गिनती के लिए दरख्वास्त दायर की। ने लगा गरीब परेशान, करप्शन का एक और स्कैंडल। ऑरेंज ट्रेन की तामीराती कामों में 38 अरब के घपले। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में 12 अरब की माली बेजाबतगी। पेट्रोल डीजल और सरिये की मद में 2 अरब की हेर फेर। रेत बजरी और सीमेंट की मद में 70 करोड़ का गबन हुआ। 40 करोड़ कहां खर्च हुए, कोई रसीद नहीं। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। फेरावाला गेट फ्लाईओवर पर काम तेज, 123 पाइलें मुकम्मल। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए सेक्शन 6 का निफाज। मौजा नौलखा की 18 केनाल से जायद अराजी हासिल की जाएगी। सेहत हर शहरी का हक, पंजाब हुकूमत का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम लाने का फैसला। शहरी पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल से मुफ्त इलाज करा सकेंगे। 3 साल प्रोग्राम पर बजट का तखमीना 331 अरब रुपए है। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारियां, 25 से 40% तक इजाफे का प्लान। महकमा एक्साइज के अफसरान ने सर जोड़ लिए। अमले की तबीयत का पहला मरहला मुकम्मल। ताजर बरादरी पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स में 66% इजाफे पर सरापा एहतजाज है। सीईओ एलडब्ल्यूएमसी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए मुतहरिक। आउटफॉल नॉर्थ साउथ चिल्ड्रन वर्कशॉप का दौरा। गाड़ियां फील्ड में ना भेजने और ना के सुपरविजन पर फ्लीट मैनेजर आउटफॉल नॉर्थ की सरजनिश। वैलेंशिया वर्कशॉप फ्लीट मैनेजर से गाड़ियां लेट निकालने पर वजाहत तलब की गई। आरजी कलेक्शन पॉइंट्स को जल्द क्लियर करने के अहकाम भी जारी किए गए। लाहौर पुलिस के जेर एहतमाम आगाही सेमिनार। औरत की इफ्फत, तकरीम, तहफ्फुज़, मआशरती जिम्मेदारी का शऊर उजागर किया गया। राजा बशारत हाफिज ताहिर अशरफी, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल की शिरकत। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के तहत वाइस चांसलर्स वर्कशॉप। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद खालिद, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सैयद जावेद इकबाल बुखारी और दीगर की शिरकत। लेप्टिन डेफिशिएंसी के मरीज 2 भाइयों को नई जिंदगी मिल गई। बेरियाट्रिक सर्जरी
प्रोफेसर माजुल हसन ने कामयाब सर्जरी आधी कीमत पर की। बीमारी से एक बच्चे का वजन 160 और दूसरे का 130 किलोग्राम हो गया था। प्रोफेसर माज के मुताबिक बच्चों का मैदा लेप्रोस्कोपी सर्जरी से 80% कम हो गया। किर्गिस्तान के सफीर की लाहौर चैम्बर आमद, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात, तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान भी मौजूद रहे।